रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे। मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं, रुलाने रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे। मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं, क्योंकि मांगो दुआ वसीले से खाली ना जाएगी, बातिन की खुदा से कभी टाली जाएगी। बोलो टाली न जाएगी। अरे इश्क़े गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। बहा के देख इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं कभी ऐसा करता नहीं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आका मोहिन का ये हुक्म है कि मजीद इमाम हुसैन के भी शेर पढ़ते रहो। ये वक्त कबूलियत का है। सज्जू बाबा जान देखना, अल्लाह अज्जू बाबा एजाज़े मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही। वाह वाह, कह दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एजाज़े मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाजाए बुतूल पे रहमत खड़ी रही, पुश्ते नबी पे सजदे में आकर चढ़े हुसैन, बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही। दरवाजाए बुतूल पे रहमत खड़ी रही, पुश्ते नबी पे सजदे में आकर चढ़े हुसैन, बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही। ये एक सजदा इतना तवील था पूरी उम्र में मेरे रसूल का कि 72 मर्तबे आपने तस्बीह पढ़ी थी। सुभान रब्बी लाला सुभान रब्बी लाला, 72 मर्तबे तस्बीह पड़ी गई। क्यों? कि हुसैन बैठे थे, हुसैन बैठे थे। हाय हाय, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। था बार बार, कांटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। हम्म,
अब एक और शेर सुना दूं, अजवा सुनेंगे, सुनने का मूड है ना। महशर में मुस्तफा को मनाने के वास्ते बात नबी तक मत है, बख्शीशे नबी तक मत रहो। महशर में मुस्तफा को मनाने के वास्ते हर शख्स को पड़ेगी जरूरत हुसैन की, हर शख्स को पड़ेगी जरूरत हुसैन की। दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का। दुआ कर दो, नूर का वक्त है और जितने बैठे हैं सबकी दुआ कबूल करना मेरे मौला आका हुसैन के सदके में। आमीन। दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का, है आरजू वहां भी मिले दर हुसैन का, अरे जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का। जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर, बताओ ऐसे शेर सुने तुमने? मुझसे भी पहले नहीं सुने आप, अल्लाह गवाह है। अज्जू बाबू, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते मोहम्मद बाबू, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो के नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाना काबा से जमजम को उठा लाते। हो गए हुसैन इब्ने अली की प्यास में है, एक राज था वरना फरिश्ते खानाए काबा से जमजम को उठा लाते। ये कलर मेरी जान, मेरा ईमान, मेरा सब कुछ, मेरी पहचान, मेरा सब कुछ, मगर मैं तुमसे पूछता हूं, गरीब नवाज ने ये कलर क्या संजर से लेकर आए थे? संजर से लेकर आए थे? नहीं, मदीने वाले का कलर तो हरा है और खाना काबा का कलर तो पूरा काला है, तो फिर यह आया कहां से? है ना नुक्ते की बात है कि नहीं, बताइए, सुन रहे हैं ना आप? जबाने खल्क को नकारा खुदा समझो, बजा कहे जिसे आलम उसे भजा समझो। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल है। मुत्तहिद हो तो जमाने पे फिर छा जाओगे, मुत्तहिद होंगे जमाने पे तुम छा जाओगे, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल, ये कलर क्या मसलियत थी यार, दे फतवा दे लकवा।
فتوے پہ فتوا نہ لکھوے پہ لکھوا. یہ کلر عجبہ, یہ کلر غریب نواز جس وقت ہندوستان آئے تنہے تنہا, جب آپ پیغام اسلام کا دینے لگے تو تنہا, لوگوں سے ملنے لگے تو تنہا, لوگوں میں بیٹھنے لگے تو تنہا, لوگوں سے بات کرنے لگے تو تنہا. اب غریب نواز نے دیکھا کہ ہندوستان بھارت کی سرزمین پر مندر ہے اور یہاں پر شنکھ بج رہے ہیں, کیرتن ہو رہے, بھجن ہو رہے, اور اس کلر کو باقاعدہ مندروں میں لیپا جاتا ہے, مورتیوں پر لگایا جاتا ہے, اس کلر کی بڑی پوجا ہو رہی ہے, اس کلر کو بڑا پیار کر رہے ہیں لوگ. اچھا کیا مصلحت ہے یار, کیا مصلحت ہے؟ غریب نواز نے کہا اچھا یہ تمہیں پسند ہے تو لاؤ ہم بھی اوڑھ لیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا جب تک وہاں تھا تو اس کا رنگ اس کا عنوان کچھ الگ تھا, لیکن جب غریب نواز کے گلے میں آیا تو سنجری بن گیا, چشتیہ بن گیا, چشتیہ بن گیا, چشتیہ بن گیا. آواز دے تو جنتی کوثر نکل پڑے, نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے, یہ صبر کا مقام ہے ورنہ میرے حسین انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے. جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے. اجواؤ یہ چار مصرے دے رہا ہوں, آپ یقین کیجئے آپ کے خانوادے میں تو ایسے ایسے فنکار آ کر چلے گئے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان کا کوئی ثانی اب ہے بھی نہیں. لیکن باو جان دیکھنا باپو, یہ چار مصرے دیکھنا, بڑی محنت سے میں نے نکالے ہیں, بڑی محنت سے. روک دو تلوار دنیا کو قضا آ جائے گی, آقا حسین روک دو تلوار دنیا کو قضا آ جائے گی. آج جنگ پر ساری مخلوق خدا آ جائیں گی, منتظر جنت ہے, جنت میں چلے آؤ حسین ورنہ جنت چل کے خود ہی کربلا آ جائے گی. جنت چل کے خود ہی کربلا آ جائے گی. بولو کربلا نہیں, کربلا آ جائے گی. ابے یزید مر گیا مردود, فاتحہ نہ درود. ابے یزید پہلے دو بوند مدینے کی ملا دیتے ہیں, پھر یہیں بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں. ابے اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید, جتنے شبیر کے دیوانے لوٹا دیتے ہیں. Oh,
दीवाने लुटा देते हैं। हाजी साहब बड़े इल्म वाला शेर दे रहा हूं, उम्मीद है ये शेर सुनकर आप नाइट नहीं लेंगे आज। पहले शेर सुने आप, पहले शेर। सैकड़ों साल हुए जब ना मिला था पानी, सैकड़ों साल हुए जब ना मिला था पानी, आज तक भी लबे शब्बीर को तरसा पानी, पानी किसके सर फतह का तारीख ने सेहरा बांधा, सुरखरू कौन है दोनों में लहू या पानी, ओहो सुरखरू कौन है दोनों में लहू या पानी, यजीदों से कहो इस्लाम का शहकार जिंदा है, यजीदों से कहो इस्लाम का शहकार जिंदा है, अभी तपते हुए सहरा में एक बीमार जिंदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मेरा बच्चा अजबाव जान इल्तिजा कर रहा है कि दो चार शेर और सुनाओ, पेट नहीं भरा है बोले अभी। चल बेटा ठीक है। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, वाह, आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, जैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। पर्दा नहीं छोड़ा। वाह, मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये शेर सुनाऊंगा पहले, ये शेर का उन्वान आखिरी में जब खुलेगा तो पागल हो जाओगे आप लोग। आखिर का मिसरा, बैत या सर यही था तकाजा यजीद का, यही था तकाजा यजीद का, बोलो यार मेरे साथ, यजीद का, मायूस फिर भी दर से सवाली नहीं गया, बैत न की हुसैन ने सर दे दिया उसे, अरे इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया।
حق و باطن میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے. حاجی صاحب حق و باطن میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے تو کربلا والوں پہ دنیا کی نظر ہوتی ہے. کربلا والوں پہ دنیا کی نظر ہوتی ہے. ارے ایک نواسے کا یہ احسان ہے اس امت پر کہ مسجدوں میں عزا شام و سحر ہوتی ہے.